गुलबर्गा शहर में नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा के डायरेक्शन पर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान की जानिब से गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी खंजीर की औलाद नरसिंहानंद ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया है। मुल्क भर में आजकल इस्लाम के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेहुदा बातें कर मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाना आम बात हो गई है। आजकल कोई भी आलतू फालतू इंसान ऑन रिकॉर्ड वीडियो बनाते हुए मुसलमानों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा है। कभी राजा सिंह, कभी नूपुर शर्मा, कभी रामगिरी महाराज, कभी नरसिंहानंद, तो कभी कोई और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि बीजेपी हुकूमत में इन जैसे हरामियों को खुलकर सपोर्ट किया जा रहा है और कानून इनके खिलाफ दर्जनों केस बुक करने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा है। आज गुलबर्गा में कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर्स ने एहतजाज कर रोजा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालिबा किया है कि नरसिम्हानंद को जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना आने वाले जुमा को बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। जलालवाड़ी से रोजा पुलिस स्टेशन तक यह एहतजाज हुआ, जिसमें नईम खान के अलावा मजार आलम खान, अहमरुल इस्लाम, वाहिद अली फातेह खानी, जैदुल इस्लाम, सैयद अहमद, अजमल गोला, अजीम शनी फरोज, अयाज खान, गौस मत्ते मोड़, रियाज भटको, शेख महबूब, खदीर चौंगे, ताहिर अली, असलम बाजे, आलमदार जैदी और दीगर कई कांग्रेस लीडर्स, कार्यकर्ता और दरगाह एरिया के लोग यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने खंजीर की औलाद नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा कर गुस्सा जाहिर किया है और मीडिया के जरिए पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए इन सभी लीडर्स ने कहा, कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट है और ये सब मिलकर कांग्रेस स्टेट हुकूमत से किसी भी रिलीजियस के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालिबा करने का भरोसा दिलाया है। मजीद इस मौके पर माइनॉरिटी कांग्रेस लीडर्स ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान का सेकुलर शख्स हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो यही चाहता है कि अपने देश में एक अमन शांति रहना। ये कुछ फितने इंसानी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो जो जुमलों का इस्तेमाल किया है, उसके जुमले सुनकर जो है ना इतनी तकलीफ हुई है, वही तकलीफ को देखते हुए हम जो है ना आज आगे सडनली एक्शन भी लिया और यहाँ पे एफआईआर भी किया है और इंशाल्लाह आने वाले 8 दिन में अगर उसको अरेस्ट नहीं करते हैं तो जो है ना गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी, तो पूरे माइनॉरिटी के लोग ही नहीं बल्कि गुलबर्गे के तमाम तंजीमों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम जो है ना ऐसा एहतजाज करेंगे कि गली गली, हर महल्ला, हर जगह जो है ना वो गुलबर्गा पूरा बंद करके, अपने कारोबार बंद करके हम डीसी को जाकर मेमोरेंडम देंगे। तरह से आप एहतजाज और एफआईआर कराने की बात कर रहे हैं, ये नॉन पॉलिटिकल तंजीमें करते आ रही हैं और हो रहे हैं एफआईआर, आप पॉलिटिकल तंजीम से बिलोंग करते हैं, आप इस तरह से कांग्रेस कर्नाटक में हुकूमत है कांग्रेस की, इसके कई एमएलए मिनिस्टर्स हैं, वो लोग क्या असेंबली में इसके ऊपर बात करके एक कानून बनाने की बात क्यों नहीं करते? जब मुसलमानों का इशू आता, आप कांग्रेस के एमएलए मिनिस्टर खामोश नजर आते। इंशाल्लाह गुलबर्गा से एक मैसेज दिया जाएगा, गुलबर्गा शहर में पूरा कारोबार एक दिन पूरे बंद रखकर अपील मैं कर रहा हूँ और एक बार कर रहा हूँ मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाई सेकुलर लोगों से कि एक दिन हम पूरा गुलबर्गा बंद करेंगे, गुलबर्गा से एक मैसेज देंगे, हम जो है ना यहाँ के जितने भी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कर्नाटक में जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं उन तक और हमारे सिद्धरामैया सीएम जो है ना सब तक जो है ना ये मैसेज पहुँचेंगे कि ये कानून ऐसा हो, खास करके कर्नाटक से एक ऐसा मैसेज दो, ऐसा कानून बनाओ जिससे ये जो कम्युनल माइंड जो जहन रखते हैं ऐसे लोगों को जो है ना ऐसा बयान देने वालों को सडनली जो है ना उनको अरेस्ट करें, उनको 10 से 20 साल की सजा उनको मिले, अवेलेबल वारंट उनका है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक स्वामी ने स्टेटमेंट दिया था, तो जब क्यों कांग्रेस माइनॉरिटी और कांग्रेस लीडर्स देखो इस तरीके का प्रोटेस्ट कर एफआईआर क्यों नहीं, और उसके ऊपर भी एफआईआर हो चुका है, वो भी एफआईआर कर, एक वो भी महीना पहले एक एफआईआर हो चुका है, फर्क करे है उसके ऊपर, लेकिन हालात को देखते गणेश का त्यौहार था, मिलाद नबी का जो है ना त्यौहार है, तमाम त्यौहार एक साथ आने से माहौल जो है ना बिगड़ना नहीं बोल, कमिश्नर के रिक्वेस्ट में काम को अब जो पर क्या गया है उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हुकूमत को और एडमिनिस्ट्रेटर को, कांग्रेस कमिश्नर को क्या मैसेज दे? कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे जो है ना जैसा कि वहाँ का तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करे, बस यहाँ का तो जो है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, यहाँ के जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कम्युनल माइंड है जो भी ऐसा बयान देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको स्पॉट पे जो है ना उसको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके उसको जो है ना जेल में डालें और इंशाल्लाह ये मैसेज हम भी जो है ना हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इंशाल्लाह हम स्टेट पे पूरा मैसेज ये देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह फजर के बाद एक सोशल मीडिया पे एक स्वामी यति नरसिंहानंद का एक बयान जो है नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त जो है सोशल मीडिया पे आया था, तो सुबह 7 बजे मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा की हिदायत पर
कॉल आया कि इसके ऊपर हम लोग एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट के सदर नईम खान साहब, ब्लॉक के सदर अहमद भाई और सिटी प्रेसिडेंट अजमल गोला साहब, हमारे मज़र आलम खान साहब, वाहिद अली फ़ातह खानी साहब, अब्दुल क़दीर चुंगे साहब और मुख्तलिफ दूसरे कॉरपोरेटर्स, साबिका कॉरपोरेटर्स ने बैठकर एक मीटिंग की और पुलिस से रुजू हुए। तो क्योंकि आज कुछ सर्कल और एसीपी साहब कई मुख्तलिफ कुछ काम से बिज़ी थे तो हमको शाम का टाइम दिया गया। हम लोगों ने आज FIR बुक कराई है और ये मुतालिबा भी रखा है कि खाली FIR तक ही यहाँ पे ना रुके बल्कि उसको अरेस्ट करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये शख्स इस रेगुलर ऑफेंडर है, इसको ये आदत पड़ चुकी है और ये जानता है या ये समझता है कि कानून इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगा। हमने अभी पुलिस महकमे से यही बात की है कि साहब इसको एक सबक सिखाना ज़रूरी है और अब क्योंकि FIR हो चुकी है, अब जिम्मेदारी महकमा पुलिस की है, कानून की है कि किस तरीके से उसको घेर कर UP से यहाँ लाते हैं। आज एक कमीनी जात नरसिंह आनंद, जो अपने आप को एक स्वामी बुलाता है, मैं तो बोलता हूँ ढोकला स्वामी है वो, और कई लोग उसको मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको रिलीजियस प्रीचिंग ही नहीं आती, एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोलना और हारमोनी ख़राब करना, लोगों में बेचैनी लाना, देश का माहौल ख़राब करना, ये कोई भी मज़हब नहीं सिखाता, कोई भी स्वामी प्रीच नहीं करता। ये ढोगलेबाज अपने आप को मुसलमानों के खिलाफ बताना बोलना ताकि उनको झूठी शोहरत मिले। तो हम लोग ने मैडम की हिदायत पे, MLA मैडम कनीस फातिमा जी की हिदायत पे और फराजुल इस्लाम साहब के मशोरे पे और गाइडेंस पे, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब नईम खान साहब ने और ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब सैयद अहमद साहब, एक्स मेयर साहब, मज़र आलम खान साहब, वाहिद अली फ़ातह खानी साहब और यंग लीडर जनाब जैदुल इस्लाम साहब, मेरे साथी कॉरपोरेटर कोहली कॉरपोरेटर, तमाम लोग ने ये डिसाइड किया था कि इस पे FIR हो और FIR हो के ये भी देखा जाए कि उसको यहाँ पे लाएं यहाँ की कोर्ट में और उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ पर तमाम माइनॉरिटी विंग FIR करने के लिए आई है। एहतजाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, लेकिन किस तरह से माइनॉरिटी विंग यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जितने भी लीडर्स हैं, सेकुलर पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता इसके इंसिडेंट पर, ना कोई आपके MLA इसके ऊपर कोई ट्वीट करते हैं, ना कोई बात करते हैं, तो किस तरह से आप लोग मुसलमानों के साथ आपका हाईकमांड काम कर रहे हैं? हमारा हाईकमांड या कांग्रेस पार्टी बोलो, कभी भी सेक्युलर माइंड कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी को BJP किनारा कर रही है। वजह क्या है? हिंदुत्व को मानता कौन है? BJP मानता है। सेक्युलर पार्टी कांग्रेस नहीं मानती है, बोल के BJP की ये षड्यंत्र है, ये एक चाल है जो कॉर्नर कर रही है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो भाईचारा पे यकीन करती है, उनका सेक्युलर माइंड है और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने का उनका लक्ष्य है। जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की बात है और हमारे लीडर्स की बात है, बराबर हर बात पे वो हमको इंटरनली या एक्सटर्नली या मॉरली हमको सपोर्ट कर रहे हैं हर इशू में, और उन्होंने कभी भी ज़रूरत पड़ी तो जो मामले हैं उसको हमको गाइड करें और ट्वीट भी करें, शायद आपके नज़र में नहीं आया होगा। देखा लीडर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है तो सारा का सारा कांग्रेस का हाईकमांड हो या जो है लीडर्स हो वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, मगर इन चीज़ों में हाईकमांड हो या पार्टी के बड़े लीडर्स हो क्यों एक साथ नज़र नहीं आते? नहीं देखिए, आज जो इंसिडेंट हुआ है एक इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नईम खान साहब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की तरफ से आया, जिसकी वजह से हम लोग ने इमीडिएट एक्शन लिए। ये मामले में भी हमारे बड़े लीडर्स इन्वॉल्व होंगे और इस पर बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले अमरुल इस्लाम साहब ने कहा कि भाई इस पर एक कानून बनेगा, क्योंकि हमारा संविधान राइट टू स्पीच देता है बट नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर रिलीजन अदर सेंटीमेंट्स का एक संविधान है। कर्नाटक स्टेट में जितने भी मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MLA हो MLC, तो क्या उनकी तरफ से आईवानों में इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी कानून बनाने के लिए, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम मुसलमानों के और हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं MLA मैडम कनीस फातिमा जी, फराजुल इस्लाम साहब, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान साहब हैं, साथ ही कॉरपोरेटर्स हैं, चेयरमैन हैं, ये तमाम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरे कायदीन से मिलके एक बेहतरीन तरीके से एक कानूनी
शक्ल कैसी दी जा सकती है ऐसे स्टेटमेंट्स को, उस पर बराबर गुफ्तगू करेंगे और बराबर उस पर एक्शन लेने के नतीजे के लिए रोके। इस पर जो है ना पार्लियामेंट में जो है ना असेंबली में जो है ना इस पर चर्चा होनी चाहिए, कानून को लेकर होनी चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाजा है और मुझे जहाँ तक मालूम है इस पर कुछ कानून है, मगर उसमें क्या चीज़ चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मेरे ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें स्टर्न स्ट्रिक्ट और एडमेंट सेक्शंस लगाना चाहिए, विच मीन्स कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो कानून है इट इज़ फॉर 2-3 ईयर्स तुम्हारे को जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ता है, मैं बोलता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए लाइफ भी दे तो बेहतर रहेगा। तो ये हमारा प्रपोजल रहेगा, ये हमारा लीगल वे ऑफ प्रपोजल रहेगा और इंशाल्लाह हम जब तक एक कानून नहीं बनेगा इंशाल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं उस शैतान का नाम भी नहीं लेना चाहता कि उस शैतान के जो है ना एफ आई आर करने के लिए यहाँ तमाम लोग जमा हुए हैं, और आज ऐसा नहीं कि एहतजाज नहीं हो रहे, हर जगह एहतजाज हो रहा है, दिल में गम है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक जमहूरियत मुल्क है, यहाँ का एक कानून है, हमको उस कानून को जो है ना हाथ में नहीं लेते हुए हमने काम कर रहे हैं, सब्र से हम काम ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ का मुसलमान खामोश नहीं है लेकिन जज्बाती है, लेकिन उस जज्बात को कंट्रोल में रखा है, क्योंकि ऊपर एक ऐसी हुकूमत हमारे पास बैठी हुई है कि हम ज़रा भी कुछ करते हैं तो जो है ना हमारे लिए जेल होती है, वो अगर कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं, हम आप भी करते हैं तो गिरफ्तार होते हैं। तो इस वजह से जो है ना हमको सोच समझ कर जो है ना कदम उठाना पड़ता है, अपने जज्बात को काबू में रखते हुए हमको काम करना पड़ता है, लेकिन उतने उसके बावजूद भी जो है ना इतने लोग यहाँ पर जमा होकर एक एफ आई आर करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, जो भी गुस्सा के शान के कुछ करेगा तो वो अल्लाह ताला जो है ना उसको कहीं ना कहीं उसको जो देंगे लेकिन सजाएं देंगे। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। 2014 के बाद से ये बीजेपी हुकूमत जो सेंट्रल में आई है उसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम कई सारे ये जो नामालूम बाप की औलाद हैं ये लोग गुस्ताखी करते, तो ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है, उनको सपोर्ट मिलने की वजह से ये लोग बोलते आ रहे हैं। अगर ये लोगों को पहले ही अगर हम जब एफ आई आर करते हैं, अगर जब भी उनको अरेस्ट किया जाता तो ये दूसरों की हिम्मत नहीं होती। इंशाल्लाह ये एफआईआर के बाद हम इंशाल्लाह उसको अरेस्ट करने की तमाम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाकर हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं कि इसे अरेस्ट किया जाए। ये नामालूम बाप की औलाद ये तीसरी चौथी बार ये गलती कर चुका है, अगर इससे पहले उसको अगर अरेस्ट किया जाता तो ये आज ये हमें फिर देखने की नौबत नहीं आती। ये लोगों को अगर खुली छूट दी जाएगी तो इस हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब में जो माहौल चल रहा है, ऐसे लोग अगर ऐसी बदनमाजी बदजुबानी अगर करेंगे तो माहौल बहुत ख़राब हो सकता है। इंशाल्लाह मैं यही ये हमारी सरकार की, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है, क्योंकि हम लोग कभी किसी के ऊपर तोहमत ना लगाए, ना जाने वो कब किसी के लिए अल्लाह ताला उसके लिए कोई अच्छा अगर सोचा है तो उसके लिए, अगर हम किसी को अगर गलत बोल रहे हैं तो गलत होता है। इसलिए हम तमाम मुसलमान किसी मज़हब के लिए आज तक कभी बदजुबानी नहीं की है और किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाया। आज के बाद अगर ऐसा जो भी गुस्ताखी करे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कौन से भी मज़हब का हो, अगर किसी भी मज़हब के लिए अगर ऐसा ही गलत अल्फाज अगर पेश कर रहा है तो उसके लिए कानून कड़ी से कड़ी सज़ा दे।